सारे भाई ना भाई, मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जयसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं जाना है आज असंध, और रास्ते में ये रोड टूटा फूटा था भाई, कंडीशन तो आपने देख ली होगी। बाकी अभी मैं रुका हूँ गंगा टेढ़ी, पेट्रोल पंप था यहाँ पे, तेल डलवाना था। और यहाँ पे भाई एक ये ऑफिस सा है, बड़ा सारा कार्यालय, और कुछ लोग भी बैठे हैं, पॉलिटिकल से हैं, इनसे हम बात करेंगे। चौधरी बलजीत सिंह टूर्ण, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर मिलते हैं, शायद बैठे हैं जो चौधरी बलजीत सिंह जी ही हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। राम राम जी, राम राम जी। भाई यहाँ पे सारे बैठे हैं तो बतला ले। वहाँ राम राम जी। राम राम जी। राम राम। और जी ठीक हो? हाँ जी बढ़िया शर्मा जी। सर कहाँ की आज कोई तैयारी है कहीं जाने की? आज दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम है असंध अनाज मंडी के अंदर। अच्छा जी। 11 बजे का। अच्छा अच्छा। तो उसी के लिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, और यहीं पंप से चलेंगे हम, काफिले अच्छा के साथ चलेंगे। अच्छा। 50 गाड़ियों का काफिला हमारे साथ जाएगा। तो हमारे पार्टी बनने के बाद पहली बार दुष्यंत चौटाला जी हमारे असंध हलका के अंदर आ रहे। अच्छा जी। तो 200 लोगों के अंदर, तो आप वहाँ रैली स्थल पर भी देखेंगे, बड़ी पब्लिक उमड़ रही है, पूरा हलका वहाँ उमड़ कर आएगा। पूरे हरियाणा की नंबर वन रैली असंध के अंदर होगी। अच्छा जी। तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब किस पदवी पे हैं जेजेपी में? मैंने अभी कोई पद नहीं लिया है, मैं पूर्व हलका प्रधान रहा हूँ। अच्छा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ भी यूथ में प्रेजेंट रहा, उसके बाद हमारा हलका ये जर्नल में आया। पहले ये असंध रिजर्व में था जी। तब मैं जर्नल में आते ही हम पहले राजौंद से आए हैं। अच्छा। हमारे आठ गांव, ये जो आठ गांव पहले राजौंद में होते थे। अच्छा। तो उधर जाते, जब हमारे गांव गए उधर जर्नल हो गया, तो तब से मैं प्रेजेंट रहा 2014 तक। 2008 में नया परिशिमन लागू हुआ था जी जी, तो उस समय प्रेजेंट रहा। तो उसके बाद अब पार्टी जहां रखना चाहेगी वहां रखेगी। अभी तो पद की इच्छा नहीं है। अच्छा। ना पद की इच्छा है, ना कोई एमएलए का चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो आप इससे अलग काम क्या करते हैं सर? मेरे पास, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 5 पेट्रोल पंप हैं और करते हैं, और पब्लिक की सेवा करने का काम करता हूं। तो मैं वाह जी वाह। तो सर पेशे से किसान भी हूं और अपना व्यापारी भी हूं, तो पैतृक मेरा काम तो किसान का है। बाकी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे पहला पंप दिया था, आज मेरे पास 5 पेट्रोल पंप है। अच्छा, ये पेट्रोल पंप आपका ही? हाँ, ये मेरा है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया था। अच्छा। तो सर राजनीति का स्तर अभी जेजेपी का क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या लग रहा है सर? फ्यूचर तो आज चर्चा तो जेजेपी की और बीजेपी की है, जहाँ भी कहीं आप पूछेंगे किसी पत्रकार जी, से जी, जी। तो मुकाबला बीजेपी और जेजेपी के बीच में ही है, और किसी तीसरे अभी के बीच एमपी में तो का जो इलेक्शन चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। कितनी सीटें, माहौल है हमारा आज, आप देखना, आज रैली देखेंगे ना पता लग जाए। हमारा तो जो यहाँ से सांसद था अश्विनी शर्मा, अश्विनी चोपड़ा जी, जो दिल्ली से आए थे, दिल्ली से पायलन करके आए थे, तो वो तो कई बार इस्तार छुपवाए हमने, अखबारों में छुपाए, उसमें छुपाए, वो तो मिलता ही नहीं था। तो इस प्रकार का सांसद था अश्विनी चोपड़ा जी, जिनका मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर है दिल्ली, पंजाब के श्री दिल्ली चैनल है, तो वो बनाया हुआ। तो क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं सर, 10 में से कितनी सीटें आ जाएंगी? अभी हमें तो कैंडिडेट उतरेंगे सामने, देखते हैं। वैसे हम तो 10 की 10 उम्मीद करे बैठे हैं। एमपी में आप तैयारी करोगे? हाँ नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने का विचार नहीं है, कोई विचार नहीं, सिर्फ लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, पार्टी की सेवा करना और लोगों से मिलना, यही मेरा मकसद है। तो अब आगे की प्लानिंग क्या रहेगी सर जेजेपी की? जेजेपी अभी तो एमपी के चुनाव हैं, एमपी में देखते हैं कितनी सीटें, 10 सीटों की उम्मीद है हमें, पूरी पूरी सीटें हमारी आएंगी, उसके बाद फिर विधानसभा के आएंगे। मतलब 10 सीटें आप लेने की कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आपने जीत में भी देखा होगा हमारी 50 दिन की पार्टी थी, 38,000 वोट आए हमारे, वो तो बीजेपी ने घोटाला किया, बीजेपी ने जाके पैसे बांटे, सरपंचों को पैसे दिए, बीडीओ को ड्यूटी लगाई, पटवारियों को टाइट किया, म्यूनिसिपल कमेटी के उनको कहा, किसी को प्रमोशन देने का लालच दिया, तब जाके बीजेपी जीत पाई। नहीं तो अगर बीजेपी, अगर सरकार का प्रेशर नहीं होता तो जीत हमारी निश्चित थी वहाँ पर। लेकिन वो जो श्रेय बीजेपी ले रही है अभी, हाँ, क्योंकि जींद का जो इलेक्शन था बीजेपी 50,000 वोट लेके जीत चुकी है, उसका जो श्रेय वो एमपी के इलेक्शन में तो लेगी? नहीं, एमपी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी से जनता सारी अब नाराज है, क्योंकि बिजनेसमैन के जीएसटी लगा के, नोटबंदी करके, तो इन्होंने 2014 में कहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, लेकिन जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अब डर है लोगों को, इससे पहले कभी नहीं रहा। आज तो पकौड़े वाले की दुकान पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, आपने पता मुरथल में ढाबे वाले हैं, ढाबा चलाते हैं बेचारे गरीब आदमी अपना काम रोजगार के, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स वाले रेड मरने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डरा रखा है, ये ब्लैकमेलर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, ये सारे मोदी जी ने छोड़े हुए हैं पीछे।
कांग्रेस का क्या कुछ लग रहा है सर? कभी भी किसी सरकार ने एडवांस टैक्स नहीं लिया। इस मोदी सरकार ने एक एडवांस टैक्स की ऐसी पॉलिसी बनाई कि व्यापारियों को डराने का काम किया। आप भी दिल्ली में व्यापारी डरे हुए हैं, हरियाणा में भी सरेआम जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं वो सरेआम धमकियाँ देते हैं कि आपके यहाँ रेड कर देंगे, एडवांस टैक्स जमा करवाएं। जबकि इनका जो 40 लाख से ऊपर की रिटर्न होती है उसकी सितंबर के अंदर रिटर्न जाती है तो इनकम टैक्स की, लेकिन उन्होंने डरा डरा के अभी भी लेने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा ये व्यापारी कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? कांग्रेस का तो पप्पू फेल है, आपको पता ही है कांग्रेस का तो कहाँ पे। अच्छा जी, हाँ। और दुष्यंत जी क्या हिसार से ही लड़ेंगे या कुछ अलग से समीकरण बनाएंगे? देखिए, उनको मुख्यमंत्री बनाना है हमने, वो उनका फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा कहाँ से कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी पार्टी विचार कर रही है कहाँ से उनको उतारा जाए, क्या करें। तो अभी आप रैली में जा रहे हैं? हाँ, रैली में जा रहे हैं, अभी इकट्ठे हो रहे हैं सब कार्यकर्ता, यहीं से इकट्ठे हुए काफले के साथ चलेंगे। तो ठीक है जी, रैली में मिलते हैं तब तक। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो जी, ये है चौधरी बलजीत सिंह टुन और इनके विचार। अब चलो भाई, मैंने भी जाना आसन दिया, लोगों की राय लेवाएंगे, फिर वहाँ पर अगर रैली का जो भी प्रोग्राम होगा वहाँ पर चलेंगे भाई। और तब तक देखते रहिए स्टेप अप जय सर, धन्यवाद। राम राम भाई।